दोस्तों एशिया कप के अंदर पॉइंट्स टेबल पूरी तरीके से बदल चुका है और यहाँ पर सुपर फोर का भी ऐलान हो चुका है, जिसके अंदर पहले नंबर पर पाकिस्तान है, दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे नंबर पर श्रीलंका और चौथे नंबर पर अभी बांग्लादेश है। और इन्हीं चारों टीम्स के अंदर अलग अलग मैच होने जा रहे हैं, जिससे ये फैसला हो जाएगा कि एशिया कप का चैंपियन कौन बनेगा। इसी के साथ में टॉप फोर जो टीम है उनके मैचों का भी ऐलान हो गया है सुपर फोर का। 9 सितंबर को श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में मैच होगा, इसके बाद में 10 सितंबर को इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा, 12 सितंबर को इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच खेला जाएगा और इसके बाद में 14 सितंबर को ओडीआई का जो 11वां मैच है वो पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच होगा, इसके बाद में 15 सितंबर को इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच खेला जाएगा और दोस्तों इसी के बाद में जो फाइनल है लास्ट एशिया कप 2023 का वो 17 सितंबर को यहाँ पे 3 बजे से खेला जाएगा। इन सुपर फोर्स के अंदर से जो भी टीम यहाँ पे जीतती जाएगी वो डायरेक्ट अपना फाइनल का टिकट कटवा लेगी, तो देखना ये रहेगा कि फाइनल में कौन सी टीम पहुंचकर एशिया कप की चैंपियन बनती है।